हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो चलिए आज हम बनाएंगे सेट डोसा या स्पॉन्ज डोसा की रेसिपी। साउथ में स्पॉन्ज डोसा बहुत पसंद किया जाता है और ख़ास करके ये नाश्ते में बनाया जाता है और ये साउथ की एक फेमस डिश है। देखिए, आपको तोड़कर दिखा रही हूँ मैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, और दही या नारियल की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसी को आज हम बनाते हैं। के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच मेथी दाना, 1 बाउल पोहा लिया है मैंने, थिक पोहा है ये, 3 से 4 चम्मच उड़द की दाल और 2 बाउल यहाँ पे राइस लिया है मैंने। हमें चावल, उड़द की दाल और मेथी दाना को अच्छे से 2-3 बार धोकर 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखना है। देखिए मैंने इसे अच्छे से धो दिया है। अभी इसमें हम 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो अभी 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे सुबह ही भिगो दिया था, तो अभी शाम को मैंने इसे निकाल लिया है और हमारी दाल, मेथी दाना और चावल अच्छे से भीग चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, क्योंकि चावल को भीगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसे सुबह ही भिगो दीजिए तो शाम तक ये आराम से भीग जाएगा। देखिए इसके टुकड़े हो रहे हैं चावल के, तो ये इसका मतलब है ये अच्छे से भीग चुका है। हम अभी इसे मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मिक्सर में इसे डाल रही हूँ। इसकी स्मूथ हमें पेस्ट बनानी है, पोहा इसमें नहीं डाला है अभी। अब हम यहाँ पे जो हमने 1 बाउल पोहा लिया था उसे हम अच्छे से धोकर पानी में भीगने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद पोहा अच्छे से भीग चुका है। तो देखिए दाल और चावल को मैंने पीस लिया है। तो नेक्स्ट बैच में हम थोड़ा सा दाल, चावल और जो मैंने पोहा भिगो के रखा था वो इसमें डाल देना है, क्योंकि ये फिर अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाएगा और चावल के साथ भी। इसके साथ हमें 3 से 4 चम्मच दही भी लेना है इसमें। देखिए मैं दही भी डाल रही हूँ, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए दही यहाँ पे। इसे भी हमें पीस लेना है। ये सब पीसने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अभी हम नमक नहीं डालने वाले हैं। देखिए मैं अच्छे से इसे फेंट रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इसमें पानी नहीं डालना है ज़्यादा। अब हम इसे ढक देंगे और सुबह डोसा बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे खोल रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो, देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है और इससे हमारे डोसे और भी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे। इसमें हमें यहाँ पे अभी नमक और थोड़ा सा 1/2 चम्मच खाने का सोडा डाल देना है। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और 1/2 छोटी चम्मच खाने का सोडा डाल दिया है। एक बार और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमें यहाँ पे थोड़ा सा गाजर, आपको अगर पसंद है तो थोड़ा सा प्याज और धनिया काट लेंगे, या कद्दूकस भी आप कर सकते हो। मैंने कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस मिक्सचर में थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए, जो कि हम नॉर्मल डोसे में यूज़ करते हैं। देखिए इतना गाढ़ा हमें चाहिए। देखिए मैंने ये काट भी लिया है, यहाँ पर गाजर, प्याज और धनिया है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है, पैन हमारा गरम भी हो चुका है और हम यहाँ पे अभी डोसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बैटर डाल दिया है। हमें बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है मैंने, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो होल्स वगैरह बनना शुरू हो गए हैं। तो इसके ऊपर हमें कद्दूकस किया हुआ गाजर, प्याज और थोड़ा सा हरी धनिया मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा टेस्ट में और अच्छा बनता है डोसा।
आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए बबल्स आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर से तेल डालना है। यहाँ इस रेसिपी में बिल्कुल भी तेल नहीं यूज़ होता है, आधा से एक चम्मच तेल बस हो जाता है। देखिए छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा सा अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम में सॉफ्ट तक पक जाए। तो डोसा यहाँ पे एक साइड से पक चुका है, अब हम दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए इसे पलट देंगे। वाओ, देखिए डोसे का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस साइड से हमें बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाना है क्योंकि ये जल्दी से पकता है। मैं आपको दूसरा भी डोसा बनाकर दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे गाजर और प्याज यूज़ नहीं किया है। तो ये ऐसे प्लेन भी आप बना सकते हो, टेस्ट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सॉफ्ट डोसे आप ज़रूर बनाइए और नाश्ते में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मोटा होता है ये डोसा, देख लीजिए। तो हमारे स्पॉन्ज डोसे या सेट डोसे बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और गाजर की या प्याज की वजह से कलर भी बहुत ही रंगीन लग रहे हैं, कलरफुल। तो देख लीजिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये डोसे। तो बिल्कुल आसान है ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और दावत चैनल को सब्सक्राइब।